हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्या। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को ना एक दो कमेंट देखे मैंने, तो उनको डाउट था कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इनका टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई भी टेंस नहीं होता, इनका टाइम होता है। टाइम भी रिलेटिव टाइम होता है, मतलब इनके साथ जो लिखी हुई मेन वर्ब है ना, उसके रिस्पेक्ट में इनका टाइम होता है। अगर हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो मेन वर्ब है ना, उसके बाद का एक्शन है वो। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव हो या जीरंड हो, उनमें नाउन के एट्रीब्यूट होते हैं, प्लस वो हाफ वर्ब भी होती हैं, सेमी वर्ब कहलाती हैं। तो उनमें एक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है, तो उस किसी भी एक्शन के होने का टाइम होता है। ठीक है, तो हमारी जो मेन वर्ब है उसके रिस्पेक्ट में उसका टाइम होता है, तो उसका कोई टेंस नहीं होता। शायद मैंने कल बोल भी दिया होगा फ्यूचर का टाइम होता है। वो फ्यूचर का टाइम का मतलब ये नहीं था कि हम जो उसको प्रेजेंट से रिलेट करें, उसका रिलेशन जो है मेन वर्ब के टाइम से था, मेन वर्ब के बाद का। समझ रहे हैं आप? मेन वर्ब का टाइम जो होगा उसके बाद का टाइम होता है नॉन इन्फिनिटिव का। ठीक है, उसके लिए हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जिरेंड का यूज ना हम कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा एक कुछ एग्जाम्पल से वही बात हम समझ लेते हैं। देखो, जैसे मैं लिखा, वी डिनाइड गैस टीवी, वी वांटेड डैश टीवी, वी इंजॉय डैश टीवी। जो आपका डाउट था वो यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहां पे जो हमने वर्ब लिखी है ना, तीनों की तीनों वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके लिए दो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन लिखा टू वॉच, और दूसरा लिख दिया वॉचिंग। ठीक है, इन दोनों में से इन तीन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अब देखो, हम डिनाई का मतलब क्या होता है, डिनाई का मतलब होता है नॉट टू एडमिट। ठीक है, किसी बात को जो पहले हो चुकी है उसको एग्री नहीं करना, भले तुमने किया हो ना किया हो, डजेंट मैटर। पर किसी जो कोई घटना पहले हो चुकी है, कोई तुमसे उसे पूछे कि तुमने उसको किया कि नहीं किया, तो अब तुम मना कर रहे हो, दैट मीन्स डिनाइंग, यानी वो पास्ट का एक्शन था जिसके लिए तुम मना कर रहे हो। ठीक है, वॉज वॉन्टेड और इंजर्ड का पता ही होगा। देखो, डिनाई हम किस चीज को करते हैं, कोई एक्शन पहले हो गया है उसको लेके, या फिर अभी होना है, या जो चल रहा है। जो कोई एक्शन पहले हो गया है ना, मान लो ये टाइमलाइन है, ये हमारा प्रेजेंट, इसके पीछे पूरा पास्ट, इसके आगे पूरा फ्यूचर। यहां पे मान लो कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुमने ये काम किया और तुम डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्ट का था कि फ्यूचर का था, इसका मतलब ये है कि इस टाइम के रेस्पेक्ट में, आज मान लो मैं कोई भी डेट लिख देता हूँ रेंडमली, आज मान लो 10 तारीख है, ठीक है, ये 9 अगस्त है, ये 10 अगस्त है जो कि आए नहीं है अभी, और ये मान लो 11 अगस्त है, अगस्त। ठीक है, तो जब तुमसे कोई पूछ रहा है, मान लो 9 अगस्त को तुमसे कोई पूछा कि तुमने ये काम किया था कि नहीं किया था, तो तुम अगर डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब ये कि वो जो काम था वो 9 से पहले का था, पास्ट का फ्यूचर का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुमसे वो बात पूछी जा रही है, या जब तुम वो बात बोल रहे हो, या जब तुम वो बात डिनाई कर रहे हो, वो डिनाई कर रहे हो इसका मतलब वो एक्शन जो था जिसको तुम डिनाई कर रहे हो, वो जब जिस टाइम तुम डिनाई कर रहे हो तो उससे पहले का था। ठीक है, उसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो मेन वर्ब है ना, इसके रिलेशन में उसका टाइम होता है, ना कि टेंस। उम्मीद है यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, अगर ये समझ आ गया, तो छोटी छोटी दो बातें होती हैं इनके लिए, एक तो इन्फिनिटिव और जीरंड। ये दोनों है ना, ये इन्फिनिटिव जो है ना,
ये होता है हमारे मेन वर्ब के बाद का टाइम। ठीक है, ये मेन वर्ब के बाद का टाइम होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर का टाइम होता है। अगर तुमसे यहां पे ये मान लो 9 है, ये 8 तारीख है, 8 अगस्त है, ये 9 अगस्त है और ये 10 अगस्त है। कोई तुमसे 9 अगस्त को पूछे, 8 अगस्त को पूछे और कि तुम 9 को कहीं जाओगे क्या, तो अगर हम उसके लिए इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं और वो 9 तारीख है तो प्रेजेंट तो हमारा 10 है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये फ्यूचर है, वो है पास्ट ही, बट जो जब पूछा जा रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में वो बाद का टाइम है। ठीक है, बेसिकली मेन वर्ब के बाद का और मेन वर्ब के पहले का टाइम होता है। जिरंड जो होता है ना हमारा, ये होता है या तो मेन वर्ब के साथ का या फिर मेन वर्ब से पहले का, विद और बिफोर द मेन वर्ब, उससे पहले का या उसके साथ का टाइम होता है उनके लिए हम जिरंड यूज करते हैं। और जब मेन वर्ब के बाद के टाइम को लिखना हो तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव। और हमने पहले भी पढ़ा होगा, हमने पहले पढ़ा होगा क्या पढ़ा है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव जो होता है ना वो मेन वर्ब से पहले के लिए यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव भी मेन वर्ब से पहले के टाइम के लिए यूज होता है। तो या तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लिख दो या जिरंड लिख दो। अब देखो ये, अगर ये बातें समझ आ गई ना तो ये तीनों ऑप्शन आप फिल कर सकते हो, एक बार पॉज करके फिल कर लो, फिर हम समझते हैं। डिनाई, किसी काम को हम डिनाई कब करते हैं, जब वो काम पहले हो चुका हो। वाचिंग, ठीक है। वांट, किसी चीज को चाहते कब है, अगर हम किसी चीज को चाह रहे हैं तो इसका मतलब वो काम जो है ना वो बाद का होगा। ठीक है, तो बाद का होगा टू वॉच। अब इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है इस मेन वर्ब से, इस मेन वर्ब के बाद का टाइम है ये, बस इतना है। किसी चीज को एंजॉय हम कब करते हैं, ठीक है, एंजॉय कब करते हैं, जब वो काम हो रहा होता है। मान लो टीवी देख रहे हैं तब एंजॉय करते हैं, या फिर टीवी देखने के बाद एंजॉय करेंगे, या टीवी देखने से पहले एंजॉय कर लिया, ऑफ कोर्स टीवी देखते टाइम ही एंजॉय करते हैं, तो फिर से यहां पे जीरण है। फिर मैं एक बात बता देता हूं, ये जो है ना ये इस मेन वर्ब से पहले का टाइम है। ठीक है, ये मेन वर्ब के साथ का टाइम है और ये मेन वर्ब के बाद का टाइम है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे, हमारे पास तो ऑप्शन में वॉचिंग था, अगर परफेक्ट इन्फिनिटिव का ऑप्शन होता ना तो वो भी लिख सकते हैं टू हैव वॉच्ड, तब भी हमारा सही है। हमने पढ़ा है परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कंप्लीट एक्शन के लिए यूज होता है। तो ये हमारा जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा था कि सर फ्यूचर का टाइम होता है कि इनका टाइम क्या होता है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इन्हीं पे बेस्ट ना 8-10 मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, उनको आप कोशिश कीजिए, फिर हम समझेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखो मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे, एक बार ना वीडियो को पॉज करके आप सारे सेंटेंस ट्राई कर लेना। उससे पहले मैं बता दे, देखो अवॉइड टू मेक, हमने यहाँ पे एक मेन वर्ब लिखी है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एडमिटेड नॉन फाइनाइट वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, टू डू नॉन फाइनाइट वर्ब, रिपोर्टेड मेन वर्ब, टू सी नॉन फाइनाइट वर्ब, नेवर एक्सपीरियंस्ड, हैव नेवर एक्सपीरियंस मेन वर्ब, टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब, डिसाइडेड मेन वर्ब, पोस्टपोनिंग नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमें इन सेंटेंसेस को जो अभी अभी हमने समझा उसी के बेस पे समझना है कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब का जो टाइम है वो मेन वर्ब से बाद का है तो हमें लिखनी है इन्फिनिटिव, या फिर मेन वर्ब के साथ का या फिर मेन वर्ब से पहले का, साथ या पहले का है तो जिरंड, बाद का है तो इन्फिनिटिव। तो एक बार ठीक कर लो। अब देखो इसको समझते हैं, पहला हमने लिखा दे शुड अवॉइड टू मेक सच मिस्टेक्स। अब अवॉइड कब करते हैं, मान लो अभी आज 10 अगस्त है, ये एक रेंडम ले रहा हूं मैं, वैसे आज 1 अगस्त है, तो अवॉइड हम किस चीज को कर सकते हैं, 9 अगस्त वाले को या 11 अगस्त वाले को अभी या 10 अगस्त वाले को। 9 अगस्त वाला तो अपन हो गया, उसको तो घंटा ही नहीं कर सकते, 11 अगस्त वाले को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आएगा ना।
तो हमारा जो 10 अगस्त अभी चल रहा है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ये है टाइम 7 का, तो इसको मेकिंग। ठीक है, ही कंप्लेंड टू बी इल ट्रीटेड। ठीक है, कंप्लेन आदमी पहले करता है या फिर बाद में करता है? कोई काम हो गया उसके बाद कंप्लेन की जाती है कि पहले की जाती है? तो पहले उसको इल ट्रीटेड ट्रीट किया गया, वो उसके बाद उसने कंप्लेन की होगी बीइंग। और फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना हम परफेक्ट इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, टू हैव बीन, तो दोनों ही सही है हमारे। या तो जिरंड लिखो या परफेक्ट इन्फिनिटिव। रमेश प्लान गोइंग देयर बाई कार, पहले प्लानिंग की होगी, पहले गया होगा, पहले प्लान किया होगा, फिर जाने का काम हो रहा होगा, टू गो। एडमिट पहले किया जाता है कि कोई काम करने के बाद एडमिट किया जाता है? ऑफ कोर्स पहले काम किया जाता है, उसके बाद उसको एडमिट किया जाता है। तो ये जो हमारा टू लिखा है इसके बाद का काम है, सॉरी इसके एडमिट करने से पहले का एक्शन है। तो या तो लिखो टू हैव लीक्ड या फिर जीरण लीकिंग। ठीक है, कोई सा भी आंसर हो सकता है इसमें। कमल फिनिश्ड टू डू, फिनिश किसी काम को कर दिया, इसका मतलब ये उससे पहले का एक्शन है। फिनिश हो गया तो पहले का एक्शन है डूइंग। और फिर से वही, इसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव में भी लिख सकते हैं। रिपोर्ट किया है तो पहले देखा होगा मर्डर को, फिर रिपोर्ट किया होगा, सीइंग या फिर टू हैव सीन, आप लिख लेना। इसमें भी सीइंग या फिर टू हैव सीन। एक्सपीरियंस कब करते हैं? एक चीज और यहाँ पे बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब ये प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो 7 के टाइम का बीइंग। ठीक है, डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, पहले डिसाइड किया होगा कि पहले पोस्टपोन किया होगा, पहले डिसाइड किया होगा फिर पोस्टपोन करेंगे, तो ये बाद का काम है, बाद का टाइम का है, टू पोस्टपोन। ठीक है, तो उम्मीद है आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि भाई इनका टाइम क्या होता है, इनमें टेंस होता है कि नहीं होता है। टेंस वेंस नहीं होता, इनका मेन वर्ब से रिलेशन में टाइम होता है, यानी रिलेटिव टाइम होता है इनका। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, आज का वीडियो, आज जो भी हमने सीखा, जो हमने अभी तक पढ़ा था उसी पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एग्जांपल हमने सोल्व किए आज। और यही इम्पोर्टेंट है, जो हमने सीखा वो थ्योरी थी, अभी जो हम जो एग्जांपल करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमने थ्योरी को कितने बेसिक से और कितना डीप तक पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करो, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है, शेयर नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, और तो शेयर किया करो। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।